नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। मंगलवार को पूरे मध्य प्रदेश में दो साल बाद एक बार फिर से रंग पंचमी और गैर का उल्लास छाया रहा है। लोग मस्ती के रंग में रंगे नजर आए। उज्जैन और भोपाल, साथ ही इंदौर में रंग पंचमी की धूम देखी गई। साथ ही इंदौर में सुबह प्रभात फेरी गैर निकाली गई जो राजबाड़ा पहुंची। इस मौके पर बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष शामिल हुए। हर तरफ रंग गुलाल उड़ता नजर आया। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में रंग पंचमी का पर्व अनूठे अंदाज में मनाया गया। यहां सुबह भस्म आरती में 4 बजे बाबा महाकाल को टीसू के फूलों से बने हुए रंग लगाए गए और इसके बाद भस्म आरती में शामिल श्रद्धालुओं पर रंगों की बौछार की गई। और चलिए जरा ग्राफिक्स के जरिए भी आपको दिखाते हैं कि गैर निकालने का जो इतिहास है, एक परंपरा है, वो एक लंबे समय से चली आ रही है, सदियों से चली आ रही है। होलकर वंश के समय से गैर निकालने की ये परंपरा है और स्थानीय लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। ना सिर्फ प्रदेश के लोग बल्कि दूसरे राज्यों से भी यहाँ इस गैर के महोत्सव को मनाने के लिए लोग आते हैं। फूलों और रंग गुलाल के साथ गैर निकाली जाती है। बड़े धूमधाम के साथ इस पूरे त्योहार को भव्य तरीके से मनाया जाता है। रास्ते में जो भी मिलता है उन्हें रंग दिया जाता है और प्राकृतिक रंगों की छटा से हर कोई सराबोर नजर आता है। गैर का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों के साथ मिलकर त्योहार मनाना था और ये परंपरा एक लंबे समय से चली आ रही है और इस परंपरा को आज भी स्थानीय लोगों ने सजो करके रखा है। गैर निकालने की जो परंपरा है वो सदियों पुरानी है, दशकों पुरानी है और होलकर वंश के समय से गैर निकालने की ये परंपरा चली आ रही है। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जो कि गैर मनाते तो हैं लेकिन गैर का असल मायने में इतिहास क्या है, ये उन सभी लोगों के लिए जानकारी। गैर महोत्सव को लेकर के उज्जैन में इस वक्त हलचल क्या है, तस्वीरें क्या है, जरा वो भी आप देखिए। और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं उज्जैन की, जहां महाकालेश्वर मंदिर में और बाबा महाकाल के पर रंगों के उस उत्सव में, गैर के इस उत्सव को बड़े भव्य तरीके से मनाया गया और टीसू के फूल से बाबा महाकाल को इस दौरान रंगों से सराबोर कर दिया जाता है। प्रांगण की तस्वीरें आप देखिए, जितने श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे वो बहुत हद तक उत्साहित और आस्था में सराबोर नजर आते हैं। पुष्प वर्षा यहाँ पर होती है और प्राकृतिक रंगों के साथ जब गैर का महोत्सव जब लोगों के जरिए मनाया जाता है तो ये तस्वीरें अनूठी और अलग नजर आती हैं। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में होली पर्व से ज्यादा रंग पंचमी पर्व मनाया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो युवा है, जो क्षेत्रवासी है, उनका उत्साह। दरअसल यह आयोजन प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा किया जा रहा है। खुद मंत्री मोहन यादव यहाँ मंच पर मौजूद है। तमाम सारे युवा यहाँ पर फिल्मी गानों पर ठुमके लगा रहे हैं। चूंकि आज बाबा महाकाल की विशेष भस्म आरती की गई है, बाबा महाकाल के दरबार से लेकर पूरे शहर भर में विभिन्न आयोजन हो रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर युवाओं का जो उत्साह है, 2 साल बाद कोरोना काल के बाद अब यहाँ पर युवा मौज मस्ती कर रहे हैं, उत्साह में झूम रहे हैं। उज्जैन से इंडिया न्यूज के लिए प्रेम टोडिया। अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामना कि अपना चैनल श्री ध्वज परिवार के द्वारा आयोजित संयुक्त आयोजन में आज ये 2-3 वर्षों के बाद पुनः ऐसा मौका मिला है जब हम सब भगवान के आशीर्वाद से एक बार फिर रंग से सराबोर है। सबके जीवन में आनंद बरसे, सबके अपनत्व के भाव बढ़े, सबके आपसी मतभेद मिटे, परमात्मा करे हर साल ऐसे रंग। और इस गैर महोत्सव के भव्य तरीके से बनाने की तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। लेकिन इस बीच हमारे साथ 3 खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बिगर आठी कवि हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ हमारे साथ कुमार चंदन जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं और दीपक शुक्ला धनादन जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। लेकिन मेघा राठी जी, शुरुआत आपसे ही। मेघा जी, आज हमने तस्वीरें देखी हैं और इन तस्वीरों को देख करके मन बड़ा प्रसन्न होता है, खुश होता है। और ये देख करके, खास करके जब पुरातन हमारी जो सभ्यता चली आ रही है, हमारी जो संस्कृति है, आज भी स्थानीय स्तर पर उसको संजो करके रखा गया है। मेघा राठी जी, मुझे सुन पा रही हैं आप? मेघा जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए मैं वापस लौटूंगा, लेकिन जरा भोपाल की तस्वीरें दिखाना बड़ा जरूरी है। और भोपाल में इस वक्त जिस तरीके से तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, वो आपके लिए देखना बड़ा जरूरी है और सीधे भोपाल की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं भोपाल के
के चौक बाजार में और रंग बिरंगी ये तस्वीर, रंग पंचमी की ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस प्रकार से युवा रंग पंचमी में होली का उत्सव मनाते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर अलग अलग गानों में युवा थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। नगर निगम की तरफ से युवाओं के लिए जो है यहाँ पे वाटर कैनन, पानी, अलग अलग कलर जो है छोड़े जा रहे हैं, एक दूसरे को रंग गुलाल लगाया जा रहा है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में इंदौर और भोपाल में रंग पंचमी का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और ये उसी की तस्वीर है। लगातार होली से लेके रंग पंचमी तक 5 दिनों तक होली का पर्व भोपाल में। और चलिए वापस से हमारे खास मेहमान सभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वापस से उनका रुख कर लेते हैं। मेघराठी जी, मैं जरा जल्दी से आपसे एक रिएक्शन लेना चाहता हूँ। आप रंगों के इस पर्व को लेकर के कहा जाता है कि रंग जिंदगी में भर जाएं तो इससे अच्छा कुछ नहीं होता, और अगर पैनल में कवि जुड़ जाएं तो इससे बेहतर भी कुछ नहीं होगा। मैं चाहूंगा कि कुछ शब्दों के जरिए और कविताओं के जरिए आप दर्शकों को कुछ बताएं। मेघराठी जी, मुझे सुन पा रही हैं आप? मेघा जी, मुझे सुन पा रही हैं आप? मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? चलिए मैं वापस लौटूंगा, लेकिन दीपक शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? दीपक शुक्ला जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? चलिए लगता है शायद संपर्क नहीं हो पाया, वापस से दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप रंग पंचमी को लेकर के कुछ तस्वीरें और भी हैं, जरा वो दिखाना आपके लिए बड़ा जरूरी है, और इसलिए अब आपको सीधे जरा आगे बढ़ते हुए आपको इंदौर भी आपको लिए चलेंगे, और इंदौर की तस्वीरें आपके लिए देखना बड़ा जरूरी है। इंदौर में हलचल क्या है, तैयारियां क्या है, और किस तरीके से रंगों के इस त्यौहार को मनाया जा रहा है, आगे आप देखिए। इंदौर और परंपरा है रंग पंचमी की, रंग पंचमी की इस परंपरा में इंदौर में पारंपरिक गेर निकाली जाती है। गेर दरअसल में होता यह है कि कई सारी टोलियां शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई राजवाड़ा पर इकट्ठी होती है, और आप देख सकते हैं कि ये वो जोश है, ये वो जज्बा है जो कि इंदौर का रंग पंचमी को देखने को मिलता है। जहां भी नजर डालते हैं रंग और गुलाल ही नजर आता है। जाहिर सी बात है, इस तरह की तस्वीरें शायद आपको दुनिया में कहीं और रंग पंचमी के दिन देखने को ना मिले। निश्चित रूप से अपने आप में अद्भुत है, अपने आप में अलौकिक है, क्योंकि शहर का हर व्यक्ति यहाँ इन तस्वीरों को देखने के लिए पहुंचता है। दूर दराज से लोग यहाँ पहुंचते हैं, उत्साह अपने आप में होता है, और इस उत्साह को हम कुछ उसी तरीके से देखते हैं। रंग इंदौर के रंग पंचमी कैसे बयां करेंगे आप? इंदौर जो उत्साह और उल्लास का त्यौहार माना जाता है, ये त्यौहार है जो त्यौहार को आज इंदौर सेलिब्रेट कर रहा है। 2 साल से गेर बंद थी, नतीजा ये है कि आज जो गेर दिख रही है वो आपको इसमें परिवार ज्यादा दिख रहा है। इंदौर एक उत्साह प्रेमी शहर है और उत्साह ही इंदौर की जान है, और इंदौर में भी राजवाड़ा उत्साह का केंद्र माना जाता है। राजवाड़ा उत्साह का केंद्र माना जाता है। तस्वीरें जहां तक हम नजर डालते हैं पूरे आपको रंग दिखेगा, रंग के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। रंग के साथ हैं, 2 सालों से जो दर्द इंदौर ने जता है उसका आज उसको बयां कर रहा है। इंदौर के दर्द से नहीं, खुशी से आगे जिंदगी चलते रहने का नाम है, ये इंदौर का मैसेज है। मेरे भाई लोग अभी भी रंग डालते हुए नजर इंदौर के रंग और बहुत मजा आ रहा है सर, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है सर। ये वो तस्वीरें हैं, मेरे लिए लगभग नामुमकिन होता है कि मैं कुछ कह भी सकूं, लेकिन निश्चित ही अपने आप में ये तस्वीरें। चलिए एक बार फिर से आपको सभी खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, वापस से उनका रुख कर लेते हैं। मेघराठी जी, मुझे सुन पा रही हैं आप? जी हाँ, मैं सुन रही हूँ। चलिए थोड़ा सा डिले हो गया, लेकिन वापस से आते हैं, क्योंकि आज बड़े रंगों के त्योहार को, रंग पंचमी को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। 2 साल का एक लंबा इंतजार, जब गेर का महोत्सव को नहीं मनाया जा पाया कोरोना संक्रमण की वजह से, लेकिन अब इस 2 साल के इंतजार के बाद जब वापस से चीजें पटरी पर लौटी हैं, रंगों के इस त्योहार को किस तरीके से देखते हैं? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी मेघा जी, आपसी सवाल। एक लंबे टाइम के बाद, कोरोना के बाद, हम लोग वापस अपनी जिंदगी में फिर से एक तरह से कहा जाए शामिल हो रहे हैं, तो वास्तव में ये बहुत खुशी की बात है। मुझे लगता है कि पूरे 2 साल बाद
लोगों ने इतने उत्साह के साथ रंग के त्योहार को या दीपक के त्योहार को मनाना शुरू किया है। सब कुछ नॉर्मल होता जा रहा है, अच्छा होता जा रहा है, लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि जो कुछ हमने पीछे छोड़ दिया, जो छूट गया, उसकी एक कसक तो कहीं ना कहीं मन में है। लेकिन जिंदगी चलते होने का नाम है, जो रुक गया वो तो फिर वही थम ही गया। जब तक दुनिया है हमें आगे बढ़ना ही पड़ेगा। और रंग पंचमी के त्योहार की सबसे पहले इंडिया न्यूज के सभी लोगों को और साथ ही हमारे सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक मुक्तक के साथ मैं आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहूंगी। ये तो कवि होने के नाते मुझे लगता है कि शुभकामनाएं आप अपनी कविताओं के जरिए, अपनी जो आपने लिखा है उनके जरिए दे तो ज्यादा बेहतर हो, और दर्शक जो है उससे अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस कर पाएंगे। मेघा जी, हाँ जी, सुनिए। खुशी और रंग का त्योहार एक दिन का नहीं होता, खुशी और रंग का त्योहार एक दिन का नहीं होता, अगर है प्यार तो इजहार एक दिन का नहीं होता। हर रिश्ते में रंगों की जरूरत है अगर समझो, हर रिश्ते में रंगों की जरूरत है अगर समझो, कोई रूठा तो मनहार का एक दिन नहीं होता, कोई रूठा तो मनहार का एक दिन नहीं होता, अगर है प्यार तो इजहार का एक दिन नहीं होता। तो ये तो थी आप सभी के लिए एक मुक्तक के माध्यम से मेरी शुभकामनाएं। बहुत सुंदर मेघा जी, बहुत सुंदर। और हंसी खुशी का माहौल रहता है, तो मैं एक खास कविता के साथ आप सभी को जोड़ना चाहूंगी अपने साथ में, और साथ में रंग पंचमी की शुभकामनाएं भी दूंगी। ये हंगामा होली का या रंग पंचमी का हम इसे कह सकते हैं, रंगों की बौछार के साथ हंगामा नहीं हो तो फिर तो कुछ अधूरापन लगेगा ही लगेगा। तो सुनिए हंगामा। बड़ी अरमा से रातों को जगाती हूँ तो हंगामा, बड़ी अरमा से रातों को जगाती हूँ तो हंगामा, कभी कमरे कभी छत पे सुनाती हूँ तो हंगामा। बहुत होता है शब्दों के जरिए व्याख्यान किया गया, बताया गया, और बड़ा खूबसूरत बिल्कुल ये पर्व है। और रंग पंचमी जब मनाई जा रही है, दीपक शुक्ला जी आप अपने शब्दों के जरिए, अपनी कविताओं के जरिए क्या दर्शकों तक पहुंचाएंगे आज? मेघा जी मैं वापस लौटता हूँ आपके पास। दीपक शुक्ला जी, ये देखिए यही होता है कवियों का, आप मंच है, मौका है, दस्तूर है, और देखिए एक के बाद एक कवि अपनी कविताओं को लोगों तक पहुंचाना भी चाहते हैं। मैं चाहता हूं दीपक शुक्ला जी धनादन तरीके से आप भी अपनी कविताएं सुनाएं। दीपक शुक्ला जी अनम्यूट कर लीजिए, दीपक जी अनम्यूट कर लीजिए एक बार अपने आप को। मेघा जी मैं वापस लौटता हूँ। मेघा जी ठीक है, मेघा जी मुझे सुन पा रही हैं आप? मैं जरा वापस तौड़ता हूँ, मेघा राठी जी मैं आपके पास वापस तौड़ता हूँ। दीपक शुक्ला जी अनम्यूट कर दीजिए एक बारी। कुछ नहीं जी, दीपक शुक्ला जी लेकिन हकीकत बहुत अलग होती है, शायद वो हमारे सभी दर्शक भी इत्तेफाक रखते होंगे। जी दीपक शुक्ला जी अक्षय कहते हैं। जी 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 कहिए सर। धनादन कवि के तौर पर आपकी पहचान है, और दर्शक भी बड़े देर से इंतजार कर रहे हैं कि धनादन कविताएं भी आएंगी। अब बिल्कुल बिल्कुल आएंगी, धनादन कविताएं आएंगी। मैं बड़े अच्छे से मेघा राठी जी की कविताओं का आनंद ले रहा था, बहुत अच्छी कविताएं वो सुना रही हैं। होली का माहौल है, रंग पंचमी का त्योहार है, और रंग पंचमी ये होली के माहौल में कई जगह रंग और गुलाल से लोगों ने होली खेली, आनंद लिया, लेकिन कई जगह माहौल कुछ अलग दिखा है। क्या माहौल दिखा है मुझे कविताओं के लिए आपने बुलाया, तो मैं कविताओं के माध्यम से ही बात करता हूँ कि हाथी हुआ सूखकर चूहा साइकिल हुई कबाड़, हाथी हुआ सूखकर चूहा साइकिल हुई कबाड़, ईबीएम से पूछे पंजा कुछ तो करो जुगाड़, जोगीरा सारा रा रा रा, और जिनको बेटा समझ रहे थे निकल गए वो बाप, पंजाब में क्या हुआ,
जिनको बेटा समझ रहे थे निकल गए वो बाप, सरदारों की तूतू मैं आगे निकली आप जोगीरा सारा रारा रा। बहुत सुंदर। और आइए, ये तो जोगीरा की बात थी। हाँ। लेकिन इन दिनों हम देख रहे हैं कि अभी दुनिया में बड़ी हालत खराब है, यूक्रेन और रूस की लड़ाई चल रही है जी। आए दिन रूस परमाणु हमले की धमकी दे रहा है। ऐसे में मैंने सोचा यार परमाणु की धमकी दे रहा है, ये परमाणु गिरेगा कितना नुकसान होगा, सारी दुनिया तबाह हो सकती है। लेकिन अगर परमाणु की जगह प्यार मोहब्बत का बम बनता तो क्या होता। तो रंग पंचमी के इस मौसम में, रंग पंचमी के त्योहार में लोगों को मैं इस मस्त कविता से, मस्ती भरी कविता से जोड़ता हूँ, आनंद से जोड़ता हूँ। यदि परमाणु की जगह प्यार मोहब्बत का बम होता तो क्या होता, सुनिएगा। बम चिक बम 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 चिक बम 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 चिक बम 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 चिक बम बम। परमाणु की जगह प्यार का अगर बनाते बम, परमाणु की जगह प्यार का अगर बनाते बम, खून बहाते नहीं सभी को गले लगाते हम। बम चिक बम 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 चिक बम 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 चिक बम 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 चिक बम बम। और अगर परमाणु की जगह प्यार मोहब्बत का बम बनता तो क्या होता, आतंकी का मतलब होता अगर सेंटा क्लॉज यहाँ। बम चिक बम 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 चिक बम बम। आतंकी का मतलब होता अगर सेंटा क्लॉज यहाँ, फिर तो स्वयं बुलाते बच्चे यारों उनको रोज यहाँ। आतंकी का मतलब होता अगर सेंटा क्लॉज यहाँ, फिर तो स्वयं बुलाते बच्चे यारों उनको रोज यहाँ। सरहद पर पहरे ना होते पिकनिक होती शान से, सरहद पर पहरे ना होते पिकनिक होती शान से। मम्मी को मिलने आ जाते मामू पाकिस्तान से, और चाइना की मौसी को जीभ चिढ़ाते हम। बम चिक बम 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 चिक बम 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 चिक बम 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 चिक बम बम। हमारे यहाँ कहते हैं कि छत की मुंडेर पर कौवा बैठता है, दरवाजे पे कौवा आता है तो बोलते हैं मेहमान आने वाला है। और अफ्रीका में भी काले लोग पाए जाते हैं, हमारे देश में नजर से बचने के लिए काला टीका लगाया जाता है। इन बातों को याद रखिए और मेरी ये पंक्तियां सुनिए कि अगर रूस अभी यूक्रेन पे हमला कर रहा है, अगर परमाणु की जगह प्यार का बम होता तो क्या होता, सुनिएगा। अरे अमरीकन गोरी जब प्यार से हमें पुकारा करती जी, अमरीकन गोरी जब प्यार से हमें पुकारा करती जी, फिर अपनी अफ्रीकन चाची नजर उतारा करती जी, फिर अपनी अफ्रीकन चाची नजर उतारा करती जी। सरहद पर जब कौवा कोई काँव काँव करके जाता, सीमा पर जब कौवा कोई काँव काँव करके जाता, रूस भाई यूक्रेन की शादी का न्योता देने आता। तो बिल्कुल, जाहिर तौर पर ये बड़ी प्यारी पंक्तियां हैं सर, और मुझे लगता है धनादन तरीके से जो आपने कविताएं सुनाई है ना दीपक शुक्ला जी, ये लोगों के जहन में अपने घर कर गई हैं, और लोगों के बीच में आपकी जो कविताएं हैं, आपकी जो बातें हैं, आवाज है, वो अब घर कर चुकी है। मैं वापस लौटूंगा दीपक शुक्ला जी आपके पास, लेकिन कुमार चंदन भी हमारे साथ लगातार कार्यक्रम में है। चंदन जी, नाम में ही चंदन, और रंगों के इस त्योहार को रंग पंचमी में आप किस तरीके से इसको बताएंगे और क्या कहना चाहेंगे? अनम्यूट कर लीजिए चंदा जी, अनम्यूट कर लीजिए जी, बताइए आप जी। नमस्कार, इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को कुमार चंदन का प्रणाम, इस कार्यक्रम में स्वागत है सभी का। और मैं चार पंक्तियों से सबका स्वागत करूंगा, सुनिएगा। आज फूलों से घर जाओ तो, ओ सात रंगों से तुम नहाओ तो, आज फूलों से घर सजाओ तो, ओ सात रंगों से तुम नहाओ तो, ओ मन करे कृष्ण ही
श्रृंगार करे ओ मन करे कृष्ण ही श्रृंगार करे और राधिका के तुम रिझाओ तो बहुत बढ़िया बहुत बहुत, बहुत सुंदर ओ राधिका बन के तुम रिझाओ तो। और रंग पंचमी की बात हो रही है तो चार पंक्तियां और सुनिएगा जी कि आज आज मिलने तुम्ही से आऊंगा और प्रीत की रीत को निभाऊंगा और मैं अगर आज बहक जाऊं तो और मैं अगर आज बहक जाऊं तो और तेरी बाहों में सिमट जाऊंगा और तेरी बाहों में सिमट जाऊंगा। और दर्शकों को क्योंकि ये होली का त्योहार बसंत ऋतु में और रंग पंचमी भी बसंत ऋतु में हम मनाते हैं चलिए थोड़ा समय की ना पाबंदियां होती हैं कुमार चंदन जी, मैं वापस पहुंचूंगा आपके पास लेकिन जरा मैं आप समय थोड़ा सा कम है, मेघा राठी जी को जरा जल्दी से जोड़ लेता हूं। मेघा राठी जी कुछ कविताएं और मुझे लगता है कि आप भी तब से इंतजार कर रही हैं कि एक बार फिर से मौका मिले और कुछ सुनाएं आप। सोच तो मैं रही थी कि कुछ ना कुछ तो सुनाया जाए तो चलिए चलते चलते थोड़ा सा सुनाती हूँ एक नए त्योहार के बारे में। वैलेंटाइन डे जब बात रंगों की हो रही है तो वैलेंटाइन डे को हम पीछे कैसे छोड़ सकते हैं, तो इस बारे में भी थोड़ा सा आप लोगों को हंसाऊंगी। सुनिए जी थोड़ा सा ही बताती हूँ। वैलेंटाइन पर दिया बेलन का उपहार, वैलेंटाइन पर दिया बेलन का उपहार, चौके तक मोरे पिया ये क्या है सरकार, बात कुछ समझ ना आई बनी क्यों काली माई। मैं तो हूँ काली पर उस चीज पर ध्यान मत दीजिएगा, बाकी सबकी बात बता रही हूँ जी। बात कुछ समझ ना आई बनी क्यों काली माई। क्या होता है जब पत्नियों को थोड़ी सी उम्मीद होती है अपने पति से कि वो कुछ ना कुछ तो उनके लिए खास करेंगे, कुछ सरप्राइज करेंगे, तो हम लोग भी इन सबसे पीछे नहीं रहते। तो हमने क्या किया, सरप्राइज की आस में अलमारी छा, अक्सर होता है सरप्राइज की आस में अलमारी ले छा, मौजों की बदबू मिली रेगुंदे इंसान नहाता रोज नहीं क्यों ठिकाना खोज कहीं तू, नहाता रोज नहीं क्यों ठिकाना खोज कहीं तू। उम्मीद पर तो दुनिया को उम्र लकीर के नीचे लगा कुछ तो रखा छुपा, लकीर के नीचे लगा कुछ तो रखा छुपा, बैरी तकिया भी मगर मुझको बहुत सुंदर। मेघा राठी देखिए ना कितना जल्दी ये समय बीत गया, पता ही नहीं चला कि कब ये कार्यक्रम अपने अंतिम पड़ाव पर आ चुका है। खैर बड़े अच्छे तरीके से आपने शब्दों के जरिए अपनी बातों को पहुंचा है धनादन जी, बहुत शानदार तरीके से आपने कविताओं को पिरोया और आपने दर्शकों तक पहुंचाया, बहुत शुक्रिया तीनों ही खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन रंगों के इस महोत्सव को रंग पंचमी की तस्वीरें लगातार आपने देखी हैं और ऐसी ही कुछ तस्वीरें आप इंडिया न्यूज़ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार इसी तरीके से आगे भी आप देखते रहेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए बस इतना ही, नमस्कार।